Now we are going to start with the लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. तो लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग करने जाए, ये तो या ये पोएम हमारे फॉबी कैरी के द्वारा लिखा गया है. ये पहली बात, थोड़ा लंबा पोएम है मगर इस पोएम का बहुत सुंदर तात्पर्य है. पहले इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या है. लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड एक बैलेड है. बैलेड का मतलब क्या है ना, बैलेड का मतलब है नॉर्मली जो पोएम स्टोरी की तरह लिखा गया है, जो पोएम स्टोरी की तरह लिखा गया है उसको हम लोग बैलेड बोलते हैं. तो यहाँ पे ओरिजिनली एक बैलेड का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. तो एक बैलेड इज अ पोएम नैरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजर्स. बैलेड इज सच काइंड ऑफ पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजर्स एंड इन द पोएम ऑल स्टैंजर्स कॉम्प्रोमाइजेस फोर लाइन्स. तो बैलेड एक छोटा सा स्टोरी है जो पोएम के फॉर्मेट में लिखा गया है. चार चार लाइन है इसके और ये चार चार लाइन 16 स्टैंजर्स में डिवाइडेड है. सो इन टोटल देर आर 16 स्टैंजर्स इन द पोएम एंड दिस स्टैंजर्स विल टेल अस अ स्टोरी. ये बैलेड जो होता है ये किसी कल्चर का, जो फोक टेल्स होते हैं उसको लेके डील करते हैं या जो पॉपुलर कल्चर होते हैं वहाँ के. और ये बुजुर्गों से बच्चों तक ओरली कन्वर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. सो फोक कल्चर इन इज अ स्टोरी ऑफ एनी एरिया और इज नोन एज बैलेड. तो फोक कल्चर कंप्रोमाइजेज ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरीज विच आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. तो अभी भी आप लोग शायद जब पहले का पार्ट पे हम लोग बात करें तो दादी माँ के पास या दादाजी के पास स्टोरी सुनना सबको पसंद है और वो कुछ पार्ट्स को लेके आपके नॉर्मल जीवन के आइडिया के साथ वो आपको पढ़ाते हैं या बात करते हैं या स्टोरी सुनाते हैं. तो ये नॉर्थलैंड कहाँ पे ना, नॉर्थलैंड एक एरिया है जो कि नॉर्थ पोल के करीब है. सो दिस एग्जैक्ट प्लेस इज नॉट स्पेसिफाइड बट नॉर्थलैंड मीन्स द एरिया इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पे नॉर्थ पोल है. लेजेंड मतलब है एक हिस्टोरिकल स्टोरी जो कि बहुत पुराने हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास हो रहा है. लेट्स सी, पहला स्टैंजा बता रहा है. अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. तो ये रीजियन नॉर्थ पोल का है जहां पे नॉर्थ लैंड होते हैं. और यहाँ पे दिन का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ही कम होते हैं बिकॉज सन के पोजिशन की वजह से. सन्स रेज रीच फॉर ए वेरी लेस टाइम वेन दिस एरिया इज एक्सपीरियंसिंग विंटर सीजन द ड्यूरेशन ऑफ नाइट इज वेरी लॉन्ग एंड द डे टाइम आवर आर वेरी लेस. सो इन लाइन नंबर 4 दे रेफर्स टू द पीपल हु लिव इन दिस रीजियन. तो एक कॉमन क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि यहाँ पे दे जो पार्ट यहाँ पे पहला स्टैंजा में बोला गया है वो किस चीज को रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना. ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं आपके वो लोग जो लोग उस एरिया में रहते हैं, उस रीजन में रहते हैं. द पोएट सेज दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट टाइम इज सो लॉन्ग दैट द पीपल कैन नॉट स्लीप देम थ्रू. तो रात इतने बड़े होते हैं कि उस रात को पूरा सोया नहीं जाता है उस रात में. फिर सो के उठते हैं फिर भी रात ही रहता है. If they go to bed, take a few hours of sleep and then they wake up, it is still night time. तो जैसे मैंने कहा वैसे ही आपका stanza का जो explanation है वही बता रहा है. He wants to emphasize on the fact that the duration of the night is very long. So normally जो रात का duration होता है वो बहुत ज्यादा होते हैं and that's why लोग जब सो के उठते हैं वहां पे फिर भी रात ही रहता है. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like beer cubs
इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो स्विफ्ट रेनडियर स्लेजेस के बारे में बात करें तो ये स्लेजेस क्या है ना, स्लेजेस पहली बात आपके सेंटा क्लॉज जिस गाड़ी में बैठ के आते हैं उसको स्लेजेस कहते हैं। ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फीला एरिया होता है तो वहाँ पे इन ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है स्लेजेस के माध्यम से। जो रेनडियर्स होते हैं जो कुत्तों की तरह दिखते हैं वो स्लेजेस को खींच के ले जाते हैं, कभी कभी उनमें सामान कभी कभी इंसान बैठते हैं। तो आपका पार्ट यहाँ पे बता रहा है कि व्हीकल ऑन रनर्स फॉर कन्वेइंग लोड्स और पैसेंजर्स ओवर स्नो और आइस ऑफन पुल्ड बाय ड्रॉट एनिमल्स। टू हार्नेस मीन्स टू टाई द रेनडियर्स विद द रोप, तो एक रस्सी के माध्यम से उस रेनडियर को उस पार्ट के साथ बांध दिया जाता है। टू ए स्लेज सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो स्लेज के साथ बांध दिया जाता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल हो। स्विफ्ट समथिंग विच रन्स वेरी फास्ट, स्विफ्ट समथिंग विच रन्स वेरी फास्ट। तो नॉर्थलैंड का रीजियन है जहाँ पे लोगों का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। ये एक स्नोई एरिया है, यहाँ पे एक एनिमल मिलता है जिसका नाम है रेनडियर, ये पोलर रीजन में कॉमन होते हैं। और लोग क्या करते हैं, इस रेनडियर को स्लेजेस के साथ बांध देते हैं और ये रेनडियर्स उस स्लेजेस को खींच के ले जाते हैं। उन्होंने ये भी ऐड किया है कि जो चिल्ड्रन रहते हैं वो एकदम भालू की तरह दिखते हैं, यंग वंस ऑफ ए बियर, मतलब है भालू के बच्चों की तरह दिखते हैं, क्योंकि वो जो कपड़े पहने रहते हैं वो बहुत ही फनी होते हैं, जो कि फर फर से बने होते हैं, बियर के जो स्किन होते हैं उससे बने होते हैं। नेक्स्ट आंसर, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। तो अक्सर जो बुजुर्ग रहते हैं, जो पेरेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं ना, वो अपने बच्चों को एक स्टोरी सुनाते हैं, नॉर्मली बहुत तरीके का मॉरल का स्टोरी, इसका मतलब है मॉरल वैल्यू के साथ वो स्टोरी सुनाते हैं अपने बच्चों को। सो आई सॉरी इन लाइन नंबर वन आई जो दिया हुआ है, जो दे रेफर्स टू द पेरेंट्स और एल्डर्स एंड देम रेफर्स टू देयर चिल्ड्रन, दे टेल देम तो दे हुआ यहाँ पे उनके पेरेंट्स और देम हुआ वो बच्चे जो कि स्टोरी सुनने बैठे हैं। द एल्डर्स ऑफ द नॉर्थलैंड रीजियन टेल अ स्ट्रेंज एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी टू द यंगर जनरेशन, तो यंगर जनरेशन को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाया जाता है। द पोएट सेज दैट ही डजंट थिंक दैट द स्टोरी इज ट्रू बट इफ ही टेल्स द स्टोरी टू द रीडर मे बी द रीडर कुड लर्न अ लेसन फ्रॉम इट। अगर ये जो स्टोरीज सुनाए जाते हैं किस लिए ना, उनके उनके बारे में उनको जो लेसन्स है वो लेसन्स कुछ मॉरल वैल्यू सिखाने के लिए, और स्टोरी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करता है, ये स्टोरी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करता है। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about preaching just as he did, you know. Saint Peter, an apostle of Christ. तो Saint Peter कौन है ना, Saint Peter एक Jesus Christ के follower है जो लोगों के पास जाते हैं और Jesus Christ के बारे में लोगों को इतला करते हैं, उनके teachings के बारे में सिखाते हैं। तो वंस वेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, तो एक समय ऐसा था जब हमारे इस धरती में सेंट पीटर रहा करते थे एंड वॉक्ड अबाउट इट, और जगह जगह घूमते थे और प्रीच करते थे, लोगों को सुनाते थे कि जीसस क्राइस्ट क्या किए हैं, उनको जानना चाहिए। द स्टोरी इज अबाउट द सेंट पीटर व्हेन सेंट पीटर यूज्ड टू लिव इन द वर्ल्ड एंड वेंट अराउंड गिविंग रिलीजियस लेक्चर टू द पीपल जस्ट एज ऑल सेंट डू, देन एन इंसिडेंट हैपेंड। और ऐसे करते करते एक दिन एक घटना हुआ, क्या घटना हुआ, लेट्स सी। स्टैंजा फाइव,
ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ. तो यहाँ पे हर्थ का मतलब क्या हुआ ना, जो जगह जहाँ पे केक्स को बनाया जाता है, तैयार किया जाता है. तो जब सेंट पीटर वॉज मूविंग अराउंड द वर्ल्ड गिविंग रिलीजियस लेक्चर टू द पीपल, तो वो अपने जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सजेशंस दे रहे थे जो उनके टीचिंग्स थे नॉर्मली. अब एक दिन उन्होंने देखा कि एक औरत केक बना रही है अपने ओवन, अपने बेकिंग पार्ट पे. अब स्टैंजा नंबर 6 को अगर हम लोग देखें, एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डेज वाज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन. तो सारा दिन घूमने के बाद सेंट पीटर बहुत ज्यादा थके हुए हैं और वो उस औरत के पास आई और उनसे कहा कि आपके पास बहुत सारे केक है, मुझे एक छोटा सा केक का टुकड़ा दीजिए. तो फेंट मतलब है बेहोश हो जा रहा, या बेहोश हो जाने का जो पार्ट है फास्टिंग, क्योंकि सारा दिन वो घूम के प्रीच कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा भूख लगा है उनको, क्योंकि सेंट पीटर ने सारा दिन कुछ खाया नहीं है और वो बहुत ज्यादा भूखे थे और कमजोर लग रहा था उनको. तो उस औरत से उसने क्या मांगा ना, बेकिंग केक्स मांगा और एक पीस केक उनसे मांग लिया जो वो बना रही थी. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्स टू लार्ज टू गिव अवे. सो यहाँ पे राइटर ने सेल्फिशनेस का एक पार्ट सिखाया गया है या दिखाया गया है, क्योंकि वो औरत बहुत ज्यादा सेल्फिश थी. सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, तो बहुत एक छोटा सा केक का टुकड़ा वो बनाए हैं और उसके तरफ वो देखी और ये उसको लगा कि ये भी बहुत बड़ा है लोगों को देने के लिए, मगर खुद खाने के लिए बहुत छोटा है. जब लोगों को देने का बात आया तो ये बहुत बड़ा है और खुद खाने के समय ये बहुत छोटा है. तो आप इस औरत का कैरेक्टर को समझ पा रही हैं कि वो कितना बड़ा सेल्फिश है. द वुमन वाज सेल्फिश, शी डिड नॉट गिव केक्स फ्रॉम हर स्टोर, इंस्टेड शी स्टार्टेड मेकिंग अ वेरी स्मॉल केक फॉर सेंट पीटर. शी डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर हर थिंग्स, तो वो अपना चीज किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी. बट वेन शी पुट द केक फॉर बेकिंग शी लुक्ड एट इट एंड थॉट दैट दिस केक वॉज टू बिग टू बी गिवन टू समवन. स्टैंडर्ड नंबर 8, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड वेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन. नीडेड का मतलब है जब हम लोग आटा गूंथते हैं तो वो आटे का जो टुकड़ा होता है उसको यहां पर डफ कह रहा है. सो द लिटिल मिजर वुमन थॉट दैट द केक वॉज टू बिग टू बी गिवन अवे, ये केक बहुत बड़ा है लोगों को देने के लिए. सो शी स्टार्टेड मेकिंग अनदर स्मॉलर केक, उसने और एक छोटा सा केक बनाना शुरू किया. When she looked at that cake, she again felt that it was as big as the previous one. अब आप इस पार्ट को समझने का कोशिश कीजिए कि वो औरत इतनी ज्यादा खुदगर्ज थी कि जब उसने एक छोटा केक बनाने का प्रोसीड्योर में प्रोसेस किया तब भी उसको लग रहा था कि ये केक बहुत बड़ा है किसी को देने के लिए. और इस बार भी वो सेंट पीटर को वो केक देना नहीं चाहते थे. अगेन शी वॉज नॉट रेडी टू गिव दिस स्मॉलर केक टू सेंट पीटर. स्टैंडर्ड नंबर 9, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डर्फ एंड रोल्ड इट फ्लैट
and baked it thin as a raffle, but she couldn't part with that. तो आप देखिए, उसने और एक छोटा आटा का टुकड़ा या मैदा का टुकड़ा जो भी बोलिए वो लिया और उसे बार बार रोल किया, एकदम फ्लैट बना दिया बिस्किट की तरह, और उसको बेक किया एज ए रैफर, मगर वो भी उसके हाथों से नहीं निकल रहा था। तो इतनी खुदगर्ज थी। सो द थर्ड टाइम शी टुक अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डफ एंड रोल्ड इट। द पोएट सेज दैट शी रोल्ड एंड रोल्ड टू ले द एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट शी रोल्ड द डफ एंड मेड इट वेरी थिन लाइक ए वेफर और ए बेक्ड। तो एक पतला बिस्किट की तरह बनाई और उसको बेक किया, मगर वो इतनी लालची थी कि उसके हाथ से वो पतला केक का टुकड़ा जो कि वेफर बन चुका था वो भी उस साधु को वो नहीं दे पा रहे थे। नंबर 10, सो फॉर शी सेड माय केक दैट सीम्स टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम मायसेल्फ। तो ये पार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब मैं अपना बनाया हुआ केक को खाती हूं तो मेरे लिए बहुत ही छोटा लगता है, मगर जब भी देने का बात आया तो ये मेरे लिए बड़ा लग रहा है। क्यों? आर येट टू लार्ज टू गिव अवे सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ। और उसने क्या किया, उन केक्स को भी अपने सेल्फ में रख दी। So the woman reasoned that when she ate the cake, she felt that they were very small. But if she had to give them to someone, जब वो किसी को देना चाहती है, she felt that they were too big to be given away. बहुत बड़ा है देने के लिए. She put all the cakes on the shelf of her kitchen and did not give any cake to Saint Peter. और उसके हाथों से वो पतला केक का टुकड़ा भी नहीं जा रहा था। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint. अब Saint Peter बहुत ज्यादा गुस्से हो गए हैं क्योंकि हर बार वो केक का टुकड़े को बना रही थी और उसको अपने सेल्फ में रख दे रही थी। And surely such a woman was enough to provoke a saint. और ये जो पार्ट किया है इस पार्ट से ऑलरेडी इतना काफी है एक साधु को गुस्सा दिलाना। So Saint Peter became angry. He was very hungry. तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भूखा था। He was feeling very weak and the selfish woman was not ready to give him even a small cake. तो एक छोटा सा केक का टुकड़ा भी उसके हाथ से नहीं जा रहा था। The behavior of the greedy woman angered the saint. और ये behavior के कारण वो हमारे जो Saint Peter है वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए। And he said, you are far too selfish to dwell in a human form. To have both food and shelter and the fire to keep you warm. तो आपके पास तो सब कुछ है, आप इतनी ज्यादा सेल्फिश है फिर भी आपके पास घर है, आपके पास खाना है, आपके पास रहने के लिए सर के ऊपर छत है, आपको गर्म रखने के लिए आपके पास आग है, फिर भी आप इतने ज्यादा सेल्फिश है। तो सेंट पीटर को कर्स द वुमन, सेंट पीटर ने उस वुमन को अभिशाप दिया, श्राप दिया, सेड दैट ही शी वाज वेरी सेल्फिश, शी डिड नॉट डिजर्व टू लीव लाइक अ ह्यूमन बींग, शी डिड नॉट डिजर्व टू लीव लाइक ए ह्यूमन बींग। ही एडेड दैट गॉड हैड गिवन हर फूड शेल्टर फायर टू कीप वार्म बट शी हैड बिकेम सेल्फिश फॉर ऑल द रिसोर्सेज शी हैड। She did not want to share them with anybody. And that is the main reason over here. तो सेंट पीटर ने उस औरत को अभिशाप दिया कि आप ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं है। She did not deserve to live like a human being.
जहाँ पे भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, फिर भी आप अपना चीजें लोगों को शेयर करने से आपका इतना प्रॉब्लम है। नाउ यू शैल बिल्ड एट द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। एलिट्रेशन का फॉलो अप हो रहा है, बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग। सो नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, नाउ यू शैल बिल्ड एट द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ट्राइड। तो बोरिंग का मतलब है मेकिंग ए होल इन समथिंग विच ए फूड और बाई डिगिंग। जैसे आपको पिक्चर दिख रहा है ये जो वुडपेकर है, ये वुडपेकर अपना खाना खाने के लिए उसको सुराख करना पड़ता है, तब जाके उसको खाना मिलता है। तो सेंट पीटर ने उस औरत को श्राप दिया कि वो एक पक्षी बन जाएगी, क्योंकि वो इंसान की फॉर्म में लेने के लायक नहीं है। She shall became a bird and just like birds build their houses by boring into the wood and collect very little food by working hard the entire day. So that is the true part. Similarly, she would also work hard in the dry wood all day and get little food. Make a small place for herself to live in. तो आप पक्षी बन जाएंगे और जैसे पक्षियां अपने घर बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके चीजों को जमा करते हैं, अपने खाने को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, वैसे ही आपका जीवन बन जाएगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word. And out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. तो automatically ये जो part है उसके जो baking part के ऊपर जो chimney लगा हुआ था उसके baking furnace के ऊपर, उस chimney से एक woodpecker निकला। तो ये औरत woodpecker में बदल चुकी थी। तो जैसे ही सेंट पीटर ने उसको अभिशाप दिया, ये औरत चेंज हो गई उसी समय में, और उसके छत के जो चिमनी था उस चिमनी से वो एक पक्षी बन के उड़ गई। तो सेंट पीटर ने क्या किया ना, उस औरत को एक पक्षी में बदल दिया। She had a scarlet cap on her head and that was the left the same, but all the rest of her clothes were burned ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम। तो स्कारलेट मतलब है ब्राइट रेड कलर का एक कैप वो पहनी थी जो कि उसके सर पे अभी तक है, और बाकी उसके कपड़े दो से वो जल के काला हो गया। सो व्हेन द वुमन टर्न्ड इनटू अ बर्ड एट दैट टाइम शी वाज वेयरिंग अ रेड कलर कैप ऑन हर हेड एंड दिस कैप वाज देयर ऑन द बर्ड्स हेड ऑल्सो, बट द वुमन रिमेनिंग क्लोथ हैड बर्न्ड and turned black in color just like coal. And every county school boy had seen her in the wood where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food. So you can see the people who live in this countryside, even the small children who go to a school, seen this kind of birds in the woods. They see that she stays there all the day, keeping on digging the wood with her beak to collect her food. So whenever any child sees this kind of bird, then his elder tell him this story. His elder tell him this story. They say that the bird used to be a वोमेन अर्लियर, मगर वो बहुत ज्यादा लालची था और सेंट पीटर ने उसको श्राप देके एक पक्षी बना दिया है। तो इससे एक मॉरल वैल्यू हमारे जीवन में आता है कि दे गेट ए टीचिंग दैट दे शुड नॉट बी ग्रीडी। तो उनको कभी लालची होना नहीं चाहिए,
लालची होना बहुत बड़ा पाप है. दे गेट अ टीचिंग दैट दे शुड नॉट बी ग्रीडी, दैट दे शुड नॉट बी ग्रीडी एंड दैट इज ऑल अबाउट इट. अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा राइमिंग वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, राइमिंग वर्ड ए बी सी बी का इस्तेमाल हुआ है. अब एलिट्रेशन का अगर बात करें तो एलिट्रेशन क्या है, जहां पे आपके बैक टू बैक कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल हो रहा है. तो स्टैंजा वंस में अगर हम लोग देखें दैट दे देम थ्रू, तो ये पार्ट बैक टू बैक कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल हो रहा है. जब आपके बैक टू बैक कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल होगा दैट विल बी एलिट्रेशन. तो बहुत सारे स्टैंजास में आपके एलिट्रेशन रिपीटेशन हुआ है, एलिट्रेशन को बार बार देखा गया है, जहां पे हर एक स्टैंजा का अगर बात देखें स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन देते हुए ल ब त श य फ इन साउंड्स का बार बार आया है. इसके अलावा यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, एवे का वर्ड रिपीटेड हुआ है, रोल्ड का वर्ड रिपीटेड हुआ है, बोरिंग का वर्ड रिपीट हुआ है. एनजैम्बलेन का मतलब हुआ जिस पोएट्री में कोई भी कॉमा या पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं किया गया है. सिमली के बारे में हम लोग जानते हैं जब हम लोग लाइक या एज लगा के कंपेयर करते हैं. तो ये कुछ हमारे पोएटिक डिवाइसेस है जो इस पर्टिकुलर पार्ट में इस्तेमाल किए गए हैं. आई थिंक द पार्ट इज क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो.